आइए अब हम लोग बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी की। देखिए एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, अगर हम कभी किसी की बात करते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी। ग्रेट अशोका का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इसी में लेंगे। टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत छोटा डायनेस्टी है, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द फर्स्ट लार्जेस्ट एम्पायर जो कि भारत में, इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है टिल 324 BC। इस एम्पायर का जो भी नॉलेज हम लोगों के पास है वो कहाँ से आ रहा है? एपिग्राफी से आ रहा है, लिटरेरी सोर्सेस से आ रहा है, कोई फॉरेन ट्रैवलर आया होगा वो अपना किताब लिखा होगा, या कोई भी अदर मटेरियल जो कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, जैसे मान लीजिए कोई पैलेस ही मिल गया, कहीं कोई शिलालेख मिल गया, इंस्क्रिप्शन मिल गया, तो इन सब से हमको क्या पता चल रहा है कि मौर्य रूलर्स का ग्रेटनेस और ये रूल जो था वो कितना वास्ट था, मतलब देश में कितना दूर फैला हुआ था। इनफैक्ट अगर मैप हम लोगों को पढ़ना नहीं है, अगर कभी मैप देखिएगा मौर्य समाज का तो देखिएगा ह्यूज, बहुत बड़ा एम्पायर है ये। अब मौर्य एम्पायर का आप देख लीजिए कहां से शुरू हो रहा है, ऑक्सस जो अभी का अमू रिवर है और कावेरी के डेल्टा तक, मतलब ऑलमोस्ट साउथ इंडिया आपका ऑलमोस्ट पूरा कवर्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं ये एक महान साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। अब देखिए यहां पहला रूलर जिसका हमको बात करना है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अराउंड 345 BC में इनका जन्म हो रहा है और ये संस्थापक है, फाउंडर है इस डायनेस्टी के। देखिए इनका नाम एक हिस्टोरियन जिनका नाम है जस्टिन, उनके हिसाब से इनको सेंड्रोकोटस है। देखिए ये कह रहे हैं जस्टिन, इनको नाम दे रहे हैं सेंड्रोकोटस का, और ये नाम आगे चलकर एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है विलियम जोन्स, मॉडर्न हिस्ट्री में इनका नाम आता है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। अब देखिए 345 BC में इनका हो रहा है जन्म, ये संस्थापक है। लेकिन इस डायनेस्टी के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी से पता चलता है तो वो है मौर्यन एम्पायर में लिखी गई एक किताब अर्थशास्त्र, जो लिखा था चाणक्य या कौटिल्य। आप देख सकते हैं नाम यहाँ चाणक्य या कौटिल्य। इन्होंने पूरे डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में मेंशन किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा कौटिल्य इनके आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और ये रियल आर्किटेक्ट कहलाते हैं मौर्यन एम्पायर के। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे होंगे सन बिंदुसार, उनके भी एम्पायर में मिनिस्टर के तौर पे काम करेंगे। यहाँ एक और बड़ा नाम है मेगस्थनीज का, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते हैं एम्बेसडर बन के। सेल्यूकस जो कि ग्रीक राजा है, ग्रीस का राजा है, उसके ये एम्बेसडर बन के आते हैं। देखिए ये सब अलग अलग सोर्सेज है, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा ना कि अलग अलग सोर्सेज से हमें इस समय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, वो ये सारे उसके सोर्सेज है। अब देखिए मेगस्थनीज की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इंडिका। देखिए इसमें हम लोग पूरी तरीके से नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिका किताब उस दौर के बारे में सबसे विश्वस्त बुक या सबसे इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन देने वाली किताब है। ओरिजिनल बुक तो लॉस्ट हो गया, लेकिन हिस्टोरियंस ने इसके मेगस्थनीज का जो डिस्क्रिप्शन था, जो कोटेशंस आगे चल के ग्रीक राइटर्स ने यूज किया, उससे लोगों ने बहुत इंफॉर्मेशन गैदर किया। देखिए इंडिका किताब उस दौर के जो पाटलिपुत्र था या जो आज का पटना है उसके बारे में बहुत कुछ लिखती है। ये बताती है कि उस दौर में जो सम्राट हुआ करते थे या जो राजा होते थे, वे जब अपने प्रजा के सामने जाते थे, ऑडियंस के सामने जाते थे, सोने के पालकी में बैठ के जाते थे, शोभा यात्रा निकाली जाती थी, प्रोसेशन निकलता था, बहुत धूमधाम ओकेजन्स को मनाया जाता था। उसके बाद इनके जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड थे वे भी हाथी या घोड़ों पे सवार रहते थे, और ये हाथी और घोड़े भी सोने या चांदी के जेवरों से अलंकृत या सजाए हुए होते थे, डेकोरेटेड रहते थे। तो ये दिखा रहा है कि उस दौर का ग्रैंडियोर कितना बड़ा था, वो एम्पायर कितना महान था, कितना रिच था। अब देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझे कि इनका मोटा मोटी जो पीरियड है 324 से 300 BC है, कुछ लोग 322 भी लिखते हैं, तो इस वक्त से इनका शुरू होता है एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, याद रखिए मुद्राक्षसा ये एक प्ले है जो कि विशाखदत्त ने लिखा है, और इसमें चंद्रगुप्त को इन्होंने विशाल या कुलहीन कहकर संबोधित किया है। इसको कहने का मतलब है कुलहीन, ये दिखा रहा है कि ये बड़े ही हम्बल ओरिजिन के आदमी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। देखिए उस वक्त जो रूल था वो नंदा किंग का था, जिस नंदा किंग का नाम है उसका नाम घनानंद है, तो घनानंद को चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त ने हराया और इनके एम्पायर को कैप्चर करके मगध रूल को शुरू किया। यहाँ पे कुछ चीजें जानिए,
इनको एडवांटेज किस बात का मिला? अलेक्जेंडर कुछ समय पहले ही अटैक किए थे और उनका डेथ 323 बीसी में हो गया था बेबीलोन में। बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई, इसका इनको फायदा मिल रहा है। कौटिल्या की मदद से लार्ज आर्मी बनाते हैं, कैंपेन चलाते हैं और ये ग्रीक राजाओं जो अलेक्जेंडर के जाने के बाद इस एरिया को कंट्रोल कर रहे थे, जो क्षत्रप थे, उनको हरा देते हैं। सैंड्रोकोटास, मैंने पहले ही कहा, ग्रीक लिटरेचर में आइडेंटिफाई किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस को हराया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही व्यक्ति है जिसने अलेक्जेंडर को ईस्टर्न पार्ट, इस पार्ट में एम्पायर में सक्सीड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है दोस्तों, और सेल्यूकस निकेटर का नाम आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। ग्रीक राइटर्स का कहना है कि इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच। इसके हिसाब से सेल्यूकस ने कांधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान ये सारे चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके अलावा 500 हाथी भी गिफ्ट किया था। नॉट ओनली दिस, इन्होंने एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया। सेल्यूकस ने अपनी डॉटर की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की। इनकी डॉटर का नाम दोस्तों याद रख सकते हैं, कार्नेलिया, ये एक नाम है कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की। सेल्यूकस जो है इसके बाद अपने एम्बेसडर, जिनका नाम हमने पहले ले रखा है, मेगस्थनीस को एम्बेसडर के तौर पर चंद्रगुप्त के कोर्ट में भी भेजते हैं। प्लूटार्क कहते हैं कि सैंड्रोकोटास ने उस वक्त थ्रोन पे कब्जा किया और जितने भी उस वक्त के रूलर्स थे उनको सबड्यू किया और होल ऑफ इंडिया को अपने नीचे किया 6 लाख लोगों के मदद से। आर्मी इनके पास अराउंड 6 लाख है, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों इससे क्या क्लियर हो रहा है कि चंद्रगुप्त ने एक वास्ट एम्पायर जो कि अफगानिस्तान से शुरू होकर असम तक जाती थी ईस्ट में और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक जाती थी साउथ में, ये पूरा इन्होंने कैप्चर किया एक्सेप्ट कलिंगा, ऑलमोस्ट होल कंट्री अब चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में है। बिंदुसार, जिनका नाम अगले स्लाइड में लेंगे, ये इनके पुत्र हैं, इन्होंने कोई कंकस नहीं किया। और अशोक, ये भी जो बिंदुसार के पुत्र हैं, इन्होंने भी सिर्फ कलिंगा को मौर्यन एम्पायर से जोड़ा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया को अगर किसी ने बनाया मौर्यन एम्पायर के लिए तो वो और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैन ट्रेडिशन के हिसाब से अपने बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, चंद्रगुप्त ने अपने थ्रोन को एबडिकेट कर दिया, छोड़ दिया अपने बेटे के लिए, और रिटायर कहां कर गया? श्रावण बेलागोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्नाटक में जगह है, अपने टीचर भद्रबाहु के साथ। ये जैन मॉन्क थे, इनके साथ ये यहां आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे लोकल इंस्क्रिप्शन उस समय के कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने लाइफ को अंतिम समय में जैन डिवोटी के तौर पे छोड़ा, अपना फास्टिंग किया, डेथ यहीं पे हासिल किया एक हिल के पास, जिस हिल को नाम दिया गया चंद्रगिरी, जो कि चंद्रगुप्त से चंद्र लिया गया और गिरी चुकी हिल, तो चंद्रगिरी इनके नाम के पर ये पड़ा इस जगह का नाम। इनके पुत्र हैं बिंदुसार, 300 से 273 बीसी ये रूल कर रहे हैं, इनके पुत्र हैं, इनके बाद थ्रोन पे आते हैं, इनको अमित्र घाट कहा गया, इसका मतलब हिंदी में आप समझ सकते हैं ये हो गया शत्रु विनाशक। वायु पुराण में इनको जो नाम दिया गया है वो है भद्रसार, तो अलग अलग नाम है इनके, याद रखेंगे ये बहुत, दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और भद्रसार वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये एक और क्या है, ये आजीवक पाथ पे चलते हैं, मतलब जो रास्ता ये आगे चुनते हैं ये आजीवक का है। इसके अलावा तिब्बतन हिस्टोरियन तारानाथ के हिसाब से चाणक्य अभी भी मिनिस्टर हैं बिंदुसार के। हेमचंद्र जो जैन स्कॉलर है ये भी ये कन्फर्म करते हैं इस बात को, तो ये हमने पहले भी कहा, तो इसको बस इतना याद रखिए कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भी कोर्ट में थे और बेटे बिंदुसार के कोर्ट में भी थे। अब दिव्यदना जो एक और हिस्टोरियन है वो बोलते हैं कि बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुमन और सुसिम को तक्षशिला का वाइसरॉय बनाया और अशोक को उज्जैन का बताया, और कहते हैं कि एक रिवोल्ट जब तक्षशिला में हो गया था तो अशोक को भेजा गया क्योंकि सुसिम उसको सप्रेस करने में फेल हो गया। अपने पिता की तरह बिंदुसार भी जो हेलेनिक वर्ल्ड है, ग्रीक वाला साइड है, उधर के साथ दोस्ती का टाइज रखना चाहता है। यहाँ आप देखिए एक नाम है डायनोसियस, ये इजिप्ट का एम्बेसडर है जो कि बिंदुसार के कोर्ट में आता है, और प्लिनी मेंशन करते हैं कि टोलेमी फिलाडेल्फस जो इजिप्ट का राजा था उसने यहाँ पे एम्बेसडर भेजा। तो ये आप देख रहे हैं कि इन लोगों के साथ इनकी रिश्ते अच्छे रहे इस काल में भी। अब इनके पुत्र अशोक राजा बनते हैं 273, कुछ जगह 269 बीसी भी मेंशन है, ये राजा बन रहे हैं और मगध जो ये एरिया है उसकी राजगद्दी पे ये बैठते हैं। राजगद्दी पे बैठने के वक्त ये अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे, और उस वक्त के अभिलेख जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसके हिसाब से मस्की और गुर्जरा में भी इनका नाम मिला है। मस्की जो आपका अभिलेख है या गुर्जरा, उनमें इनका नाम मिलता है अशोक। हम लोगों को पता अशोक द ग्रेट, महान रूलर। तो अब अशोक का इंस्क्रिप्शन अलग अलग जगह जो उन्होंने अभिलेख लिखवाए वो 4 स्क्रिप्ट में मिलते हैं। अब देखिए,
ग्रीक लैंग्वेज जो वेस्टर्न साइड है वहां अफगानिस्तान एरिया में, अरामिक लैंग्वेज ये वेस्ट एशिया में मिलता है, पराकृत लैंग्वेज और खरोष्ठी स्क्रिप्ट पाकिस्तान के एरिया में मिलता है, और पराकृत लैंग्वेज ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ये रेस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। तो ये चार अलग अलग स्क्रिप्ट में अशोक के लिखे हुए सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं। अब देखिए अशोक या अशोकवर्धन जैसे पुराने उनको बोलते हैं, इनका मेजर एक आप लोगों ने सुन रखा होगा कलिंगा वार, ये होता है 261 BC में। और इस वॉर का बेसिकली सार इतना समझ लीजिए कि कलिंग जिसकी बात हमने पहले भी की थी मॉडर्न डे उड़ीसा, यहां पर अभी तक बिंदुसार नहीं जीते थे, उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीते थे, तो इस इलाके को जीतना अब बेटा अशोक का काम था। और कलिंग वॉर जब 261 BC में होता है तो यहां पे ये हरा देते हैं, किसको हराते हैं उस जगह के राजा को। और यहां पे जो मेजर इंपॉर्टेंट बात हुई कि इतना वायलेंस हुआ, इतना खून खराबा हुआ, जिसको देखकर अशोक ने ये डिसाइड किया कि वो आगे लड़ाई नहीं करेंगे और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो देखिए जो इनका रॉक एडिक्ट 13 है वो कहता है इस वॉर के हॉरर्स के बारे में और लोगों के मिजरीज के बारे में और इसका इंपैक्ट अशोका की जिंदगी पे क्या होता है। ये एडिक्ट बताता है कि कुल 100,000 लोग मारे गए, सेवरल लाख पेरिश हो गए और 1 से 1.5 लाख लोग प्रिजनर्स के तौर पे अरेस्ट किए गए। ये फिगर शायद एग्जैजरेटेड हो लेकिन क्लियरली ये दिखा रहा है कि ये वॉर जो है डिवास्टेशन लाया था और ये लास्ट बैटल है जो अशोका ने अपनी जिंदगी में लड़ा। इस वॉर ने अशोक की पर्सनालिटी को जैसे हमने पहले कहा बदल दिया। ग्रेट रिग्रेट है, दुख है इस बात का कि यहाँ पे इतनी ज्यादा किलिंग्स हुई, इतनी ज्यादा खून खराबा हुआ और एग्रेशन के पॉलिसी को छोड़कर वेलफेयर ऑफ द पीपल और एनिमल्स को इसने अपना पॉलिसी बना लिया है। इसके बाद ये बुद्धिज्म अपनाते हैं और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम है उपगुप्त, ये एक भिक्षु हैं जिनसे ये दीक्षा प्राप्त करते हैं बुद्धिज्म में ज्वाइन करने का। और इसके आगे इसके बाद ये बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हर तरफ हर कंट्री में करना शुरू करते हैं। इसके लिए आप देखिए एम्बेसडर्स भेज रहे हैं ग्रीक किंगडम्स में, वेस्ट एशिया, सेवरल अदर कंट्रीज, यहां तक कि अपने पुत्र महेंद्र और इनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, इन दोनों को ये भेजते हैं श्रीलंका बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए। यहां पर ये जो मॉन्क्स हुआ करते थे उनके रहने के लिए भी इन्होंने बराबर का हिल, जो बराबर का हिल आज के मॉडर्न डे बिहार में मिलता है गया के पास, उन्होंने वहां पे 4 गुफाओं का निर्माण किया था, पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया और इनका नाम इन्होंने रखा कर्ज, सुदामा, विश्व झोपड़ी और चोपार। तो ये 4 नाम आप याद रख सकते हैं। यहाँ एक चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक नाम याद रखिए जेम्स प्रिंसेप का, क्योंकि यही वे व्यक्ति है जिसने अशोका एडिक्ट से जो अलग अलग अभिलेख मिले उनको समझने का पहला जो सक्सेसफुल प्रयास इस व्यक्ति ने किया था, तो इसको याद रखना है आपको। अब अशोक की गवर्नेंस की भी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए राजा हेड ऑफ द स्टेट है और ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, जिसको शासन कहते हैं, मतलब रूल जो भी इनका है उसके लिए ऑर्डिनेंस। इसके पास जुडिशियल पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है। शासन ये कहाँ पे हैं? अशोक ने जो एडिक्ट्स अलग अलग जगह लगवाए, जो रॉक्स इंस्क्रिप्शंस हैं पूरे कंट्रीज में इन्होंने लगवाए थे, उस पर इनका मेंशन था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मौर्य जो राजा थे उनको लॉ ऑफ द कंट्री को फॉलो करना पड़ता था और ये गिवन बाय द लॉ गिवर्स एंड हैड टू गवर्न अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे जो कस्टम्स हैं उस देश के उसके हिसाब से करना था, ये नहीं कि आपके जो मन में आ रहा है आप वो करेंगे, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा किंग को मदद करने के लिए मंत्री परिषद था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे अध्यक्ष हैं जिनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन सुपरिटेंडेंट, जो ऑफिसर्स होते थे जिनको स्पेशल टास्क के लिए रखा जाता था। कौटिल्य कहते हैं कि बहुत भारी संख्या में अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष जैसे गोल्ड के हैं, स्टोर हाउसेस के हैं, कॉमर्स के हैं, एग्रीकल्चर, शिप, काउ, हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट, इन्फेंट्री, पासपोर्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपके पास अध्यक्ष हैं, जिनका मतलब हो गया सुपरिटेंडेंट। एक और ऑफिसर है युक्ता, ये ऑफिसर इंचार्ज है जो रेवेन्यू कंट्रोल करता है, किंग का रेवेन्यू को ये संभालता है। इसके अलावा एक और ऑफिसर रजुकाज, ये लैंड मेजरमेंट और बाउंड्री फिक्स करने के लिए हैं। इनको पावर मिला हुआ है कि ये गिल्टी को पनिश कर सकते हैं और इनोसेंट को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको युक्ता, रजुकाज, अध्यक्षाज ये समझ के याद रखना होगा कि इसका अगर कभी पूछ दे इसका मतलब क्या था या इस पोस्ट पे कौन बैठा करता था तो आप आंसर दे सकें। इसके अलावा गवर्नेंस में याद रखिए कि प्रोविंसेस में पूरी कंट्री डिवाइडेड है, जिनको प्रदेशिकास नाम के ऑफिसर कंट्रोल करते थे और वो प्रोविंशियल गवर्नर के बराबर होते थे। द इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस जो थे वो
कुमारास के अंडर में होते थे, मतलब जो प्रिंस होते थे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोविंसेस इज नॉट नोन, मतलब एग्जैक्टली कितने प्रोविंसेस थे ये पता नहीं है, लेकिन यूजुअली या तो प्रोविंशियल गवर्नर प्रादेशिका होता था, और अगर गवर्नर नहीं है, अगर कोई कुमार वहां पे, तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, तो वो हो गया कुमार। देखिए अब हमने बात की कि प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, ये फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिवाइडेड हुआ करता था, और ईच डिस्ट्रिक्ट 5 या 10 विलेज का मेंबर हुआ करता था या पार्ट होता था, उससे 5 से 10 विलेज मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता था। तो विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे आप अधिकतर जगह देखेंगे कि ग्राम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके अलावा प्रादेशिका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेड है, इंटायर डिस्ट्रिक्ट को हर 5 साल पे वो घूमता है इंस्पेक्ट करने के लिए जो जो एरियाज उसके अंडर कंट्रोल में है, और हर जगह ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। ग्राम को कंट्रोल करने के लिए कौन है, ग्रामिका, जिसको मुखिया कह सकते हैं, और यहाँ पे उसकी मदद के लिए विलेज के एल्डर्स हैं। मेगास्थनीज के हिसाब से उस वक्त का सोसाइटी 7 कास्ट से बनता है, लेकिन यहाँ पे एक समझ लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि मेगास्थनीज कास्ट सिस्टम समझ नहीं पाया, वर्ण जाति व्यवस्था इन सब चीजों को वो क्लियरली समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। फिर भी अगर उसके 7 कास्ट को देखिए तो उसके 7 कास्ट हैं फिलोसफर्स, फार्मर, सोल्जर, हर्ट्समैन, आर्टिसंस, मजिस्ट्रेट, काउंसलर। तो आप ये देखिए, ये कास्ट समझ नहीं पाया, ये ज्यादा पोजिशन के हिसाब से इसने डिविजन कर दिया है। तो देखिए लोग कहते हैं कि ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाया इंडियन सोसाइटी को प्रॉपरली, और कंफ्यूज कर गया जाति, वर्ण और ऑक्यूपेशन में, तो ये गड़बड़ हो गई थी मेगास्थनीज से। चतुर्वर्ण उस वक्त था सोसाइटी में, हमने इसकी चर्चा पहले कर रखी है। अर्बन वे ऑफ लाइफ डेवलप हो गया था, और क्राफ्ट्समैन सोसाइटी में हाई पोजिशन ऑक्यूपाई करते थे। टीचिंग अभी भी ब्राह्मणास का मेन जॉब हुआ करता था। देखिए मोनास्ट्रीज थी, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी, जो कि इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे काम करती थी, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, वाराणसी, ये सब फेमस एजुकेशनल सेंटर्स थे। टेक्निकल एजुकेशन गिल्ड्स के द्वारा मिलता था, जहां पे जो स्टूडेंट थे, पीपल थे, वे क्राफ्ट्स लर्न करते थे शुरुआती समय से। कोई भी टेक्निकल एजुकेशन, जैसे पॉट ही बनाना है तो वो टेक्निकल एजुकेशन है। इसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और ये डोमेस्टिक लाइफ नॉर्मली जॉइंट फैमिली होती थी। मैरिड वुमेन के पास अपना प्रॉपर्टी हो सकता था, जो स्त्री धन कहलाता है, जो ब्राइड गिफ्ट है वो रख सकती थी। इसके अलावा वीडो को रेस्पेक्ट मिलता था, और स्त्री धन जो ब्राइड गिफ्ट एंड ज्वेलरी था वो उसको मिल सकता था उसके वीडो होने के बावजूद। और अगर वुमेन के खिलाफ कोई भी ऑफेंस किया गया तो उसको सीवियरली डील किया जाता था। इसके अलावा कौटिल्य कहते हैं कि पेनल्टीज था अगेंस्ट ऑफिशियल्स अगर उन्हें किसी भी वुमेन के साथ मिसबिहेव किया। मेगास्थनीज के हिसाब से स्लेवरी इस वक्त भारत में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे सोसाइटी के। ओवरऑल आप देखिए सोसाइटी बेहतर है, स्लेवरी नहीं है, वर्ण व्यवस्था तो है लेकिन वुमेन का कंडीशन भी बेहतर है। तो ये सब मोटा मोटी हमको याद रखना होगा। थोड़ा सा अशोक के धम्म के बारे में समझ लिया जाए, धम्मा के बारे में समझा जाए। यहाँ पे ये पहले ही बता दे रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट स्लाइड हमारे लिए नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये पहली बात हो गई। पर्सनल रिलीजन कौन सा है, बुद्धिज्म। भाबरू रॉक एडिट में ये कहते हैं कि उनको पूरा फेथ है बुद्धिज्म में, धम्मा में और संघ में। यहाँ पे अशोक ने बुद्धिज्म को अपना मेन फेथ बना लिया, लेकिन बुद्धिस्ट आइडियल्स को अपने लोगों के ऊपर थोपा नहीं। अशोक का बिलीव है कि यूनिटी अमॉन्ग एथिकल एंड मोरल वैल्यूज हर सेक्ट में होता है। इसके अलावा वो हर सेक्ट के फेथ के लोगों पे पूरा ग्रेट रिस्पेक्ट दिखाता था, सेक्ट में फेथ में रिस्पेक्ट दिखाता था। कलिंगा वॉर के बाद हमने बोला इसमें चेंज आ गया है, अब धम्मा उसका मेन ऑब्जेक्टिव बन गया है, अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव अशोका के लिए धम्मा है। इसके अलावा एडिक्स बोलते हैं कि धम्मा क्या है, मोरल लॉ है, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है या एथिकल ऑर्डर है, ये रिलीजन नहीं है, रिलीजियस सिस्टम नहीं है। तो एक तरीके से आप समझिए धम्म क्या है, धम्मा है कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजर बसर करना चाहते हैं, हाउ डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ विथ अटमोस्ट मोरालिटी, दैट इज नथिंग बट धम्मा। इसके अलावा अशोक एक्सप्लेन करता है कि गुड डीड्स, काइंडनेस है, लॉयलिटी है, ट्रूथफुलनेस है, जेंटलनेस है, सेल्फ कंट्रोल, ये सब गुड क्वालिटीज है जो लोगों को परस्यू करनी चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे फॉरेन किंग्स से अशोका को बुद्धिज्म का मैसेज मिला, ये आपको याद रखना होगा। ये देखिए एंटियोकस थियोस ऑफ सीरिया, टॉलेमी फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट, एंटीगोनस गोनाथस ऑफ मैकेडोनिया, मेगस ऑफ साइरीन, अलेक्जेंडर ऑफ इपीरस, ये अलग अलग लोग उस वक्त के रूलर्स, अलग अलग एरिया के, जिन्होंने बुद्धिज्म से रिलेटेड मैसेजेस अशोका को दिए। ये हमने पहले ही बात कर रखी है, महेंद्र और संघमित्रा को प्रोपोगेट बुद्धिज्म करने के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा। इकोनॉमी की अगर चर्चा करें तो इकोनॉमी में ज्यादातर अभी भी एग्रीकल्चर है, लोग विलेज में रह रहे हैं और नए नए एरियाज को कल्टीवेशन के अंतर्गत लाया जा रहा है बाय क्लीनिंग द फॉरेस्ट, लेकिन कुछ फॉरेस्ट को
आप नहीं टच कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू लॉ आप उनको नहीं काट सकते थे। अलग अलग क्रॉप्स लाइक राइस, कोस ग्रेन, सीसम, पेपर, सैफरन, ये सब यहाँ पे ग्रो किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेट के पास अपना फार्म्स, एग्रीकल्चरल फार्म्स, कैटल फार्म्स, डेयरी फार्म्स हुआ करता था। वाटर रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं जो कि स्टेट ने इरिगेशन के लिए बनाया है। स्टेप्स लिए गए हैं कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके वाटर इरिगेशन के लिए। मेगास्थनीस के हिसाब से क्राफ्ट्समैन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हुआ करते थे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्रमन का है उसके हिसाब से पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त का गवर्नर था उसने एक डैम बनाया था सुदर्शन लेक नियर गिरनार इन काठियावाड़। आप आगे चल के देखेंगे एक महान राजा इस लेक की पुनरुद्धार करवाएंगे, इसका जीर्णोद्धार करवाएंगे, रिनोवेशन करवाएंगे। इनके फॉरेन टाइज भी हैं ट्रेड के लिए और मेन आइटम्स जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है इंडिगो है, मेडिसिनल सब्सटेंस है, कॉटन है, सिल्क है और सी और लैंड दोनों ही से फॉरेन ट्रेड हो रहा है। लास्टली यहाँ पर ट्रेड के फैसिलिटेशन के लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वेयरहाउस है, गोडाउन्स है और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इस वक्त दिया जा रहा है इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा ट्रेड को कौन कंट्रोल कर रहा है? स्टेट कर रहा है। आपको लाइसेंस की जरूरत है, अगर ट्रेड करना है तो लाइसेंस चाहिए आपको। स्टेट के पास मशीनरी है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वेट्स एंड मेजर्स, जो भी आपके तौलने के लिए मेजर्स है उसके लिए मशीनरी है स्टेट के पास। इसके अलावा जो लैंड टैक्स है 1/4 से 1/6 होता था प्रोड्यूस का और टैक्स हर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे भी लेवी किया जाता था। टॉल टैक्स हर आइटम पे लगता था जो कि सेल के लिए लाया जाता था मार्केट में। फिलोसोफर स्ट्रैबो के हिसाब से क्राफ्ट्समैन, हर्ट्समैन, ट्रेडर, फार्मर हर कोई टैक्स पे करता था। जो टैक्स कैश या काइंड में अगर नहीं दे पा रहा है इन दोनों फॉर्म में तो लेबर के थ्रू उसको अपना टैक्स देना पड़ेगा। अर्थशास्त्र का मेन टॉपिक रेवेन्यू ही है और इसमें रेवेन्यू पे ग्रेट लेंथ में बताया गया है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वे इंक्रीज्ड माइंस, फॉरेस्ट, पैशन लैंड, ट्रेड, फोर्ट्स, सब पे रेवेन्यू आ रहा था। इसके अलावा इनकम फ्रॉम किंग्स ओन लैंड और स्टेट वॉज नोन एज सीता, इसको याद रखें। लास्टली ब्राह्मण, चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ड लोगों पर कोई भी टैक्स नहीं लगा करता था। इसको इकोनॉमी के लिए आपको याद रखना होगा। देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी उस एरा का बहुत ज्यादा सब्सटैंशियली डेवलप्ड था। मेन एग्जाम्पल्स जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के उस दौर में थे वे थे रॉयल पैलेस सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, अशोकन पिलर्स एंड कैपिटल्स, चैत्या केव्स इन बराबर एंड नागार्जुना हिल्स। इसके अलावा इंडिविजुअल मॉडर्न स्कल्पचर्स एंड टेराकोटा फिगर्स। मेगास्थनीस डिस्क्राइब करता है पाटलिपुत्र जो मॉडर्न डे पटना है उसके बारे में, कहता है कि ये गंगा के तट पर था और ये पैरेललोग्राम के फॉर्म में था। इसके अलावा इसमें वुडन वॉल और 64 गेट हुआ करते थे, 64 गेट्स पैरेललोग्राम में ये स्ट्रक्चर था। एक्सकैवेशंस से यहाँ पे पैलेस का फॉर्म्स मिला है, वुडन पैलिसेड का फॉर्म्स मिला है। मॉडर्न वुडन पैलेस सर्वाइव करते हैं 700 साल तक, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। फाहिन ने भी इसको आगे चलकर 4th century AD में इसको देखा। ये पैलेस आगे चल के फायर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बर्नट वुडन स्ट्रक्चर एंड एशेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम कुम्हरार, ये आज का मॉडर्न डे पटना में यहाँ पर ये मिलता है। इसके अलावा बिहार में बराबर और नागार्जुना हिल्स में भी 7 रॉक कट केव्स हैं, वो वहाँ पे मिलते हैं। देखिए डिक्लाइन की बात करें तो अशोका लमसम 232 BC तक रूल करते हैं और इनके मरने के बाद ये एम्पायर टूटने लगता है और डिक्लाइन शुरू हो जाता है और 50 साल के अंदर ही 7 राजा यहाँ पे सक्सेशन में आते हैं और एम्पायर को अलग अलग डिवाइड किया जाता है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न में जैसे कुणाल, सम, प्रति और अदर रूलर्स हैं और ईस्टर्न पार्ट में दशरथ से बृहद्रथ जैसे रूलर्स आए और इन सब का कैपिटल पाटलिपुत्र था। इसके अलावा जो मौर्यन एम्पायर का पावर एंड प्रेस्टिज था उसको साउथ इंडिया में आंध्राज ने चैलेंज किया और वेस्ट में ग्रीक राजाओं ने लगातार चैलेंज किया। यहाँ पे जो एक नाम हमने बृहद्रथ का लिया उसको पुष्यमित्र ने मार दिया था जो कि कमांडर इन चीफ था आर्मी का और ये जो मारने का काम हुआ था ये फुल ओपन में हुआ था, पब्लिक में हुआ था, फुल व्यू ऑफ द पब्लिक, जो कि क्लियरली दिखाता है कि किंग लॉयल्टी ऑफ द आर्मी को भी नहीं कंट्रोल कर रहा है, नाइदर सिंपैथी ऑफ द पीपल था उसके पास। इनफैक्ट 12वीं शताब्दी तक टिल 12th century ये एकमात्र रिकॉर्डेड इंसिडेंट है जहां पे राजा को मार दिया गया और रिप्लेस किया गया था। पुष्यमित्र थ्रोन पे बैठता तो है लेकिन अपने आप को राजा नहीं डिक्लेयर करता है, रादर अपने आप को टाइटल देता है सेनापति का। और इस तरह से ये जो महान एम्पायर था विद इन 50 years आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका ये डिक्लाइन कर जाता है। इसमें कुछ वन डे एग्जाम्स के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स पे आप याद रखें, उनको एकदम बाई हार्ट कर लें, इससे ज्यादा आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ पढ़ने की। दैट्स ऑल इस क्लास के लिए दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।